शांति आज की तारीख है उन्नीस चार उन्नीस और आज का ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद की उन्नति करो जितना अच्छी रीति बेहद की पढ़ाई पढ़ेंगे उतनी उन्नति होंगी प्रश्न है तुम बच्चे जो बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हो इसमें सबसे ऊंची डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सी है सबसे कठिन विषय कौन सा है चार विषय है हमारे ज्ञान योग धारणा सेवा तो कौन सी डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उत्तर है इस पढ़ाई में सबसे ऊंची सब्जेक्ट है भाई भाई की दृष्टि पक्की करना बाप ने ज्ञान का जो तीसरा नेत्र दिया है उस नेत्र से आत्मा भाई भाई को देखो जरा भी आंखें धोखा न दे किसी भी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि न जाए बुद्धि में जरा भी विकारी छीछी संकल्प न चले ये है मेहनत इस सब्जेक्ट में पास होने वाले विश्व का मालिक बन जाएंगे धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर धारणा बिंदु नंबर एक है मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है बुद्धि में विकारी संकल्प भी न आए इसके लिए आत्मा भाई भाई हूँ ये अभ्यास करना है किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है नंबर दो जैसे बाप वफादार है बच्चों को सुधार कर साथ में ले जाते हैं ऐसे वफादार रहना है कभी भी फारकती व डेवोर्स नहीं देना है वरदान सर्व वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले फल स्वरूप भव मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि बाप दादा के द्वारा समय प्रति समय जो भी वरदान मिले हैं उन्हें समय पर कार्य में लगाओ सिर्फ वरदान सुनकर खुश नहीं हो कि आज बहुत अच्छा वरदान मिला वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहते हैं नोट करें वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहते हैं वरदान तो अविनाशी बाप के हैं, लेकिन उसे फलीभूत करना है इसके लिए वरदान को बार बार मरती का पानी दो वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो तो वरदानों के फल स्वरूप बन जाएंगे स्लोगन है जिसकी नजरों में बाप है जिसकी नजरों में बाप है उन्हें माया की नजर लग नहीं सकती अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते ओ Shanti. to watch peace of mind channel videos on youtube subscribe us on youtube.com slash tv peace of mind just a click for a peaceful life